गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो पहला अध्याय है भारत की संविधान की विशेषताओं का, वो अध्याय है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जितना उसमें पढ़ाया गया है, आपको जितना समझाया गया है, उसका अच्छी तरीके से अध्ययन करें और उसके नोट्स हैं वो तैयार करें साथ में। अब हमारा जो पार्ट दूसरा है वो आज स्टार्ट करेंगे। ये जो पार्ट है प्रमुख रूप से मूल अधिकार, नीति निश्चित तत्व है और इनसे संबंधित प्रमुख रूप से है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस पाठ के मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार है ये क्या होते हैं, किसको प्राप्त होते हैं, क्या सभी को समान रूप से मिलते हैं या जाति विशेष के आधार पर ये मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आती है कि मूल अधिकार क्या है। तो ध्यान रखना, वे अधिकार है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी व्यक्ति का जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक जो विकास होता है, उन सभी को विकास को ध्यान में रखते हुए ये अनिवार्य होने के कारण, अनिवार्य यानी सभी व्यक्तियों के लिए संविधान द्वारा नागरिक को प्रदान किए गए हैं। यानी इन मूल अधिकारों में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और सर्वांगीण विकास होने के कारण ये प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है और अनिवार्य होने के कारण इसको किसने प्रदान किया है, किसी व्यक्ति विशेष ने प्रदान न करके, किसी सरकार ने प्रदान न करके, संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान किए हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, किसी भी राज्य में रहने वाला हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, सबको ये जो मूल अधिकार है समान रूप से दिए गए हैं। यानी वह अधिकार जो व्यक्ति के विकास से संबंधित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। बात आती है वे कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं, राज्य या सरकार है वो व्यक्ति के इन मूल अधिकारों में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगा सकता, किसी प्रकार की रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सभी जो है मूल अधिकार ये व्यक्ति की गरिमा को, व्यक्ति के विकास को ध्यान में रख के बनाए गए हैं और व्यक्ति के हित इनमें छुपे हुए हैं, व्यक्ति का लाभ इनमें छुपा हुआ है। इस कारण क्या है कि राज्य इनमें हस्तक्षेप यानी बीच में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। बात आती है कि मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व है, यानी ये मूल अधिकार क्यों बनाए गए, इनकी आवश्यकता किस प्रकार जरूरी समझी गई। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण ये है कि सरकार हो, चाहे राज्य हो या प्राचीन समय के राजा हो, ये क्या करते थे, प्राचीन समय में क्या होता था कि राजा महाराजा अपने मन मर्जी से कोई भी कानून वगैरह बना देते थे और वो ये नहीं देखते थे ये जनता के हित में है या नहीं है, जनता का इनसे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो सिर्फ अपनी मन मर्जी से कानून नियम बनाते थे, जिस कारण क्या है जनता का अत्याचार और शोषण होता था और जनता है वो हर प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहती थी। इस कारण क्या है, जनता की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, जनता को समानता दिलाने के लिए इन मूल अधिकारों की स्थापना प्रमुख रूप से की गई है। भारत के अधिकारों का महत्व है, इन अधिकारों का विशेष रूप से क्या महत्व है, तो ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, समाज में रहने वाले व्यक्ति को प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है उसकी सुरक्षा, यानी कोई भी अन्य व्यक्ति है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, कोई उसको तकलीफ न दे, किसी प्रकार की उसके मन में असुरक्षा की भावना नहीं हो। इस कारण क्या है कि मौलिक अधिकार है व्यक्ति को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। लोकतंत्र की आधारशिला, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन। जब ये मूल अधिकार होते हैं तो व्यक्ति के जो है बेसिक जो जरूरत है, जो आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र की स्थापना की गई है। तो इस कारण कहा गया लोकतंत्र की आधारशिला है। बात आती है शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा, यानी व्यक्ति का जो विकास है वो किसी प्रकार से रुके नहीं। छोटे बच्चे हैं उनको क्या है कि भारी भरकम में उद्योगों में, कारखानों में काम पे नहीं लगाया जा सकता। अगर वो बच्चे वहाँ काम लग जाए तो उनका शारीरिक विकास रुक जाएगा और उनका जो मानसिक स्वरूप है, जो उनका दिमाग है, वो नया ज्ञान संचार करने वाला होता है। तो उस ज्ञान को, संचार को और अधिक बढ़ाने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। बात आती है नैतिक विकास की, यानी जो समानता की भावना है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है, जो समर्थन की भावना है, जो मानवता की भावना है, इन सब में भी क्या मूल अधिकारों का विशेष महत्व होता है। बात आती है अबे शासन की स्वचालिता पर रोक। शासन है वो अपनी मन मर्जी से कानून नहीं बना सकता, अपनी मन मर्जी से नियम नहीं बना सकता, क्योंकि
उसको कानून के नियम में दायरे में रहते हुए संविधान के नियमों का पालन करते हुए उसको कानून बनाते हैं। तो इस कारण क्या है, कोई भी शासक है वो मन मर्जी से किसी प्रकार के अत्याचारी कानून है वो लागू नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर सकता। बात आती है शासन व विधान मंडल पर अंकुश। सरकार के जो अपने अंग है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ये क्या है, एक का काम होता है कानून बनाना और दूसरे काम होता है कानून को लागू करना। व्यवस्थापिका है वो कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। तो ध्यान रखना इन दोनों के द्वारा जो अनियंत्रित या ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का हित छुपा हो और सामान्य व्यक्तियों का हित नहीं छुपा हो, तो ऐसे जो नियंत्रण है उन पे लगाने का प्रमुख रूप से जो कार्य करते हैं वो मूल अधिकार करते हैं। बात आती है अबे कि मूल अधिकार साधारण कानून से श्रेष्ठ। मूल अधिकार है वो एक व्यक्ति को मिले हुए सामान्य अधिकारों से काफी श्रेष्ठ है, क्योंकि सरकार है और संविधान का इन दोनों पे नियंत्रण रहता है और इनको ध्यान में रखते हुए क्या है कि जो मूल संविधान है और मूल जो अधिकार है उनसे कहीं अधिक है वो मौलिक अधिकार है वो ज्यादा श्रेष्ठ बताए गए हैं। बात आती है बे न्यायिक सुरक्षा की। प्रत्येक व्यक्ति जो देश में रहता है उसको समान रूप से न्यायिक सुरक्षा मिलेगी, यानी किसी के साथ भी न्याय के संबंध में सुरक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे व्यक्ति उच्च जाति का हो चाहे व्यक्ति निम्न जाति का हो, चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान रूप से क्या है न्याय के समक्ष समानता मिलेगी और उसको संरक्षण मिलेगा। बात आती है अबे अधिकारों को हनन होने पर न्यायालय की शरण। अगर व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार का किसी भी प्रकार से उसको लगता है कि सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है या उसके मौलिक अधिकार को उसे छीना जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति है वो न्यायालय की न्यायपालिका की शरण ले सकता है और उचित न्याय को प्राप्त कर सकता है। बात आती है अबे कि समानता के कारक। समानता, देश में सभी व्यक्ति है वो समान रूप से जन्म से समान होते हैं, इस कारण क्या है कि सभी व्यक्तियों को समान माना गया है और किसी व्यक्ति के साथ है समानता अगर नहीं होती कोई व्यक्ति या राज्य या कोई कानून व्यक्ति को ऐसा मानता या मान लो उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करता है या उसके साथ ऐसा मानता हो रही है, चाहे वो चिकित्सालय के क्षेत्र में हो चाहे विद्यालय के क्षेत्र में हो चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, तो किसी प्रकार से अगर उसके साथ ऐसा मानता होती है समानता नहीं होती तो उसके ऊपर क्या है कार्रवाई कर सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। बात आती है समस्त नागरिकों को अधिकार प्राप्त, यानी भारत के किसी भी राज्य में कोई व्यक्ति कहीं भी रहे चाहे किसी भी गांव में रहे किसी भी कस्बे में रहे देश के समस्त नागरिक को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। ये नहीं है कि कुछ अधिकार कुछ विशेष व्यक्तियों को दे दिए गए हैं और कुछ है वो निम्न जातियों को या निम्न वर्गों को दिए गए हैं। तो ध्यान रख लो कि किसी भी आधार पे जो अधिकार दिए गए हैं ये किसी व्यक्ति विशेष को न देके देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे वृद्ध हो उन सबको समान रूप से ये अधिकार प्राप्त है। बात आती है विशेष अधिकारों की समाप्ति। प्रारंभ में क्या था कि जो उच्च जातियां थी ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं उनको कुछ उच्च अधिकार प्राप्त थे, जबकि जो वैश्य हैं शूद्र हैं उनको अधिकार कम प्राप्त थे, उनको निम्न समझा जाता था। लेकिन समय के साथ क्या है संविधान जो बनाया गया उसमें जो ये विशेष अधिकार विशेष धर्मों और जातियों को मिले थे ये समाप्त हो गए थे और उसके बाद क्या है कि सभी को समान समझा जाने लगा। बात आती है वे मौलिक अधिकारों की उपेक्षा नहीं, यानी मौलिक अधिकारों को जब महत्व है उस महत्व को वो कम नहीं समझा जा सकता, राज्य या सरकार है उनके महत्व को अनदेखा नहीं कर सकती। तो इस प्रकार क्या है कि मौलिक अधिकारों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब बात आती है अपने कि भारतीय संविधान के प्रमुख रूप से मूल अधिकार कौन कौन से हैं, प्रारंभ में मूल अधिकार कितने थे, वर्तमान समय मूल अधिकार कितने हैं, कौन से मूल अधिकार को हटाया गया, कब हटाया गया और इसके साथ वर्तमान में जो मूल अधिकार है वो कितने हैं, इनके बारे में आगे हमें चर्चा करेंगे। पहली बात आती है कि जो मूल अधिकार है ये संविधान के कौन से भाग में सम्मिलित किए गए हैं। तो ध्यान रखना कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। बात आती है कि भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है उन मूल अधिकारों का वर्णन कौन कौन से प्रमुख रूप से अनुच्छेदों में किया गया है। तो ध्यान रखना
कि जो मूल अधिकार हैं इनका वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 में किया गया है। कौन कौन से में किया गया है? अनुच्छेद 12 से 30 और अनुच्छेद 32 से 35 तक इन मूल अधिकारों के अनुच्छेदों का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है। बात आती है अबे कि जो मूल अधिकारों के कुल अनुच्छेद है, ये कुल अनुच्छेद कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से जो कुल अनुच्छेद है उनकी संख्या 23 है। किससे संबंधित है? ये मूल अधिकारों से संबंधित है। बात आती है कि हमारा जो संविधान है उसमें प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? जब संविधान का निर्माण किया गया, जब संविधान को बनाया गया, उस समय संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो ध्यान रखना, प्रारंभ में जो मूल अधिकारों की स्थिति थी उनकी संख्या थी 7। कितने थे? 7। बात आती है कि कौन सा अधिकार है उसको मूल अधिकारों में से हटाया गया। प्रारंभ में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। और बाद में ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसको मूल अधिकारों में से हटाया गया? ध्यान रखना, तो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकारों में से बाद में हटा दिया गया। बात आती है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था। तो ध्यान रखना, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा है वो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और जो प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे उनकी संख्या में परिवर्तन हो गया। बात आती है कि जो संपत्ति का अधिकार है बाद में उसको जब मूल अधिकारों से प्रारंभ में था उसमें बाद में मूल अधिकारों से हटा दिया गया, तो उस संपत्ति के अधिकार को बाद में कौन से कानून का दर्जा मिला? तो ध्यान रखना, तो संपत्ति का अधिकार है बाद में जो भाग 12 में इसको सम्मिलित किया गया। कौन से भाग में सम्मिलित किया गया? भाग 12 में इसको सम्मिलित कर दिया गया। कहां से हटाया गया? मूल अधिकारों में से। प्रारंभ में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। 1 को हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा हटाया गया। और बाद में जो संपत्ति का अधिकार है उसको कौन से अधिकार, कौन से भाग के अंतर्गत शामिल किया गया? तो भाग 12 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। जब ये मूल अधिकार से हटाया गया तो बाद में इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। यानी जो व्यक्ति की संपत्ति है उसके ऊपर उसका कानूनी अधिकार है। किसी के पास संपत्ति अधिक है तो किसी के पास संपत्ति कम है, तो ये जो अधिकार है व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, वो संपत्ति अपनी आवश्यकता के आधार पे, अपनी संपत्ति के आधार पे कम या ज्यादा कर सकता है, घटा या बढ़ा सकता है। बात आती है कि वर्तमान में अब जो मूल अधिकार है वो कितने मूल अधिकार बचे हैं? प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे मूल संविधान में उनकी संख्या 7 थी, और वर्तमान में क्या है जो मूल अधिकार बचे हैं उनकी संख्या कितनी है? ध्यान रखना, वर्तमान में मौलिक अधिकार उनकी संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। अब बात ये आती है कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और इन जो मूल अधिकारों को जो है 6 भागों में बांटा गया है, और इनमें कौन कौन से अनुच्छेद है, कौन कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसको याद रखना बहुत आवश्यक है। इसमें क्या है कि बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा मूल अधिकार है, उसका अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा इसका क्रम है। तो ध्यान रखना, हम उसको एक छोटे से सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से हमारे याद हो जाए। तो सूत्र क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे हम। ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकारों का या जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों को ही मौलिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक सूत्र है, वो ध्यान रखना कि सम, स्व, शोध, संस्कृति, उपचार। ध्यान रखना, इसका पूरे सूत्र को हम मिलाते हैं तो मिलता है सम, स्व, शोध, संस्कृति के उपचार है। ध्यान रखना, क्या सूत्र बनता है अपना? सम, स्व, शोध, संस्कृति के उपचार है। इस सूत्र के माध्यम से क्या है, अपने 6 है जो मौलिक अधिकारों का निर्माण होता है, और याद करने में भी आसानी रहेगी। तो ध्यान रखना, आगे चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। जो सम है हमारा, उससे जो मौलिक अधिकार बनता है वो बनता है समानता का अधिकार। सम से कौन सा बना? समानता का अधिकार। अब जो समानता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? कई बार ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार आता है वो बनता है स्व से। किससे बनता है? स्व से। स्व से कौन सा अपना मौलिक अधिकार बना? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 से 22 तक
जो अपना स्वतंत्रता का अधिकार है उसका वर्णन किया गया है। तीसरा जो अपना मौलिक अधिकार है वो बनता है सो से। सो से कौन सा मौलिक अधिकार बना? अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा बना? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये जो अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद में है तो ध्यान रखना अनुच्छेद 23 से 24 जो अनुच्छेद है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। जो अपना चौथा मूल अधिकार आता है वो बनता है धैर्य से। धैर्य से बनता है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। पांचवा जो अपना मौलिक अधिकार आता है वो बनता है संस्कृति से। किससे बनता है? संस्कृति से। और संस्कृति से कौन सा मौलिक अधिकार बना है? संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। कौन सा? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद में है तो ध्यान रखना अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। बात आती है कि अपना छठा जो अंतिम मौलिक अधिकार है वो कौन सा है और किससे बना है तो ध्यान रखना उपचार से अपना छठा है वो मौलिक अधिकार बना है। और छठा मौलिक अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार छह अपने मौलिक अधिकार है वो कंप्लीट होते हैं। सूत्र क्या था? समस्व शोध संस्कृति के उपचार। इससे छह मौलिक अधिकार बने और इसके अनुच्छेद है उनका अपन ने अध्ययन किया। बात आती है अपने पहले मौलिक अधिकार की कि प्रथम अपना मौलिक अधिकार कौन सा है तो ध्यान रखना समानता का जो अधिकार है वो हमारा प्रथम मौलिक अधिकार है। और उसका वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक किसका वर्णन किया गया है? समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। समानता का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले देश में रहने वाले सभी व्यक्ति है वो हर दृष्टि से हर क्षेत्र में हर प्रकार से क्या है? समान है। किसी भी प्रकार से उनके बीच में असमानता नहीं पाई जाती और संविधान के अनुसार उनको ये सबको समान रूप समानता है और समान रूप से मिली हुई है। बात आती है सबसे पहले कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष जो समानता है उसका वर्णन अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किया गया है। कानून के समक्ष समानता। कानून है उसकी दृष्टि से सभी व्यक्ति क्या है? वो समान है। कोई भी उसके लिए असमान नहीं है। और कानून सबको समान दृष्टि से देखता है। कानून है वो सबके लिए समान रूप से प्राप्त होता है। बात आती है इसमें विधि के समक्ष सभी समान। यानी कानून है या कानून व्यवस्था जो बनी हुई है उसके सामने सभी क्या है? समान है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो या चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में किसी भी भाग में किसी भी राज्य में किसी भी शहर में रहने वाला व्यक्ति क्या है? सब समान है। किसकी दृष्टि से? कानून है वो सबको समान दृष्टि से नजर से देखता है। बात आती है आगे कि समान संरक्षण। यानी जो कानून व्यवस्था है वो सबको समान हिफाजत यानी सुरक्षा प्रदान करती है। जिसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है उसको कानून के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है और जो कानून का उल्लंघन करता है उसको सजा भी प्रदान कानून के द्वारा की जाती है। ये जो अपना वर्णन था यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून की समक्ष जो समता है संरक्षण है उसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है। बात आती है अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में प्रमुख रूप से जो वर्णन है धर्म मूलवंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। जो धर्म है मूलवंश है जाति है लिंग है वर्ण है इसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको भेदभाव को रोकने के लिए जो अनुच्छेद बनाया गया है वो अनुच्छेद 15 बनाया गया है। उसमें प्रमुख रूप से इन बातों का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। बात आती है सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकार। सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब होता है जो सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो, सभी वहां पे समान रूप से जा सकते हैं। जैसे सिनेमाघर है, विद्यालय है, चिकित्सालय है या अपने जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं संपत्तियां हैं वहां पे क्या है कि सभी व्यक्ति समान रूप से जा सकते हैं। वो किसी विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं बने हुए हैं बल्कि सभी जातियों और धर्मों के लिए समान रूप से बने हुए हैं। बात आती है विशेष प्रावधान जातियों से संबंधित। कुछ ऐसी जातियां हैं जो समाज में काफी पिछड़ी हुई है, उनको समान रूप से मुख्य धारा में लाने के लिए उनके विकास को और अधिक गति देने के लिए संविधान में कुछ अनुसूचित जाति है अनुसूचित जनजाति है पिछड़ा वर्ग है या अन्य जो जातियां हैं जो काफी पिछड़ी हुई है उनको विशेष रूप से कुछ प्रावधान नियम बनाए गए हैं
ताकि उनको संविधान में देश में विकास के साथ सबके साथ जोड़ा जा सके। बात आती है अपने अनुच्छेद 16 की, कि उनमें प्रमुख रूप से किस बात का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन का मतलब होता है कि राज्य द्वारा जो भी नौकरियां निकाली जाती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनमें सभी व्यक्ति क्या है, समान है, और किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात आती है कि नौकरियों के समान अवसर, नौकरियां हैं वो सभी को समान रूप से उनकी आवश्यकताओं के आधार पर प्राप्त होगी, और किसी भी व्यक्ति के साथ नौकरियों के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नौकरियां हैं वो समान रूप से पुरुषों के लिए स्त्रियों के लिए समान रूप से प्राप्त की जा सकती है। बात आती है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर विभेद नहीं, यानी जो नौकरियां हैं ये जो सरकारी पद है उनमें क्या है कि किसी भी प्रकार से धर्म हो चाहे जाति हो चाहे लिंग हो, इनके आधार पे कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। व्यक्ति चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, वो नौकरियां अगर उसमें योग्यता है तो मिलेगी, चाहे वो इसके आधार पे चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो या तीसरा जेंडर हो, वो उसके आधार पे नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात आती है आवश्यक योग्यताएं, प्रमुख रूप से ये बात इसमें मुख्य है, आवश्यक जो योग्यताएं हैं उसके आधार पे नौकरी मिलेगी, जिसमें जितनी योग्यताएं हैं उसके आधार पे उसको पद प्राप्त हो जाएगा, और जिसमें जो योग्यताएं नहीं है उसको वो पद प्राप्त किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो प्रमुख रूप से जो पद प्रदान किए गए हैं उनमें व्यक्ति की योग्यता क्षमता और कौशल पर निर्भर करते हैं। अगर व्यक्ति में योग्यता है उसमें जितनी योग्यता मापदंड मांगे गए हैं उन मापदंडों को पूरा करता है तो उसको पद प्राप्त हो जाएगा। बात आती है आरक्षण का प्रावधान, यानी जो अपनी अनुसूचित जाति है जनजाति है पिछड़ा वर्ग है उनको क्या है कि किसी भी क्षेत्र में चाहे वो संसद हो विधानसभा हो चाहे सरकारी नौकरियां हो उनमें क्या है कि उनको समान भागीदारी मिले, इसलिए क्या है संविधान के द्वारा उनके लिए विशेष आरक्षण प्रदान किया गया। आरक्षण का मतलब होता है कि विशेष छूट प्रदान करना ताकि उन जातियों उन क्षेत्रों को अच्छे पद प्राप्त हो सके, वो अपने आप को क्या है पिछड़ी भी नहीं समझे, और उनको भी क्या है हीन भावना से ग्रसित होने का अवसर है वो मन से उनके निकल जाए और वो आगे बढ़ते जाए। बात आती है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का जो अंत है वो कौन से अनुच्छेद में उनका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का जो अर्थ है वो होता है छुआछूत से संबंधित समस्या, यानी कुछ वर्ग कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उच्च जातियों के होते हैं, वो क्या है जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनके साथ उठना बैठना नहीं करते, उनके साथ खान पान नहीं करते और उनको हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसा कहीं भी अगर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो वो क्या है दंडनीय अपराध है और उसकी शिकायत न्यायालय में की जा सकती है। बात आती है दंडनीय अपराध, यानी कहीं भी ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत अस्पृश्यता संबंधी भेदभाव किया जा रहा है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कानून के नियम के अंतर्गत की जाएगी। बात आती है जाति व आचरण के आधार पर व्यवहार गलत, हम किसी व्यक्ति की उसकी जाति के आधार पे या उसके आचरण के आधार पे हम उसके साथ किसी प्रकार का संबंध रखते हैं या मान लो कि उसके साथ भेदभाव करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के आचरण और उसकी जाति के आधार पे उसके साथ व्यवहार करना गलत है, क्योंकि व्यक्ति में जो योग्यता होती है वो शिक्षा के आधार पे ज्ञान के आधार पे होती है, न कि जाति और उसके आचरण को महत्व दिया ना जाना चाहिए। बात आती है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, यानी जो अस्पृश्य जातियां हैं या जो पिछड़ी हुई क्षेत्र की जाति हैं उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है जो उनके साथ लिंग के आधार पे या धर्म के आधार पे या जाति के आधार जो भेदभाव किया जा रहा है उसको समाप्त करने के लिए तो संरक्षण अधिकार अधिनियम बनाया गया, वो बनाया गया था 1955 में, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का बनाया गया, ध्यान रखना 1955 में बनाया गया ताकि नागरिकों के साथ जो भेदभाव किए जा रहे हैं उस भेदभाव को समाप्त किया जा सके। बाद में बना था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम 1989 में, कब बना था 1989 में, किस लिए बना था कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके साथ जो उच्च जातियां भेदभाव करती है उनका जो शोषण करती है उनको हीन भावना की दृष्टि से देखती है उनको अपने समान नहीं समझती, इस कारण ये अधिनियम कानून बनाए गए ताकि क्या है कि उनके साथ समानता और न्याय उनको मिल सके। भारतीय उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत
उपाधियों का अंत किया गया है, यानी अपने देश के द्वारा जो उपाधियां प्रदान की जाती है उन्हीं उपाधियों को व्यक्ति प्राप्त करेगा, और अन्य देश के द्वारा जो उपाधियां प्रदान की जाती है वो व्यक्ति अपनी इच्छा से उन उपाधियों को ग्रहण नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है। बात आती है ब्रिटिश शासन काल में जो उपाधियां थी वह संपत्ति व राजशक्ति के आधार पर, यानी ब्रिटिश शासन काल में जो व्यक्तियों को जो उपाधियां प्रदान की जाती थी उसकी संपत्ति के आधार पे, उसकी योग्यता के आधार पे, उसकी श्रम के आधार पे, उसकी चापलूसी के आधार पे उनको उपाधियां प्रदान की जाती थी। तो ये व्यवस्था थी ब्रिटिश काल के समय, यानी व्यक्ति की योग्यता और कौशल को ध्यान में रखते हुए उसके बाद जो संपत्ति है वो चापलूसी करता है उन शासकों की, उनको उपाधियां प्राप्त होती थी। बात आती है सेना व विधि संबंधी उपाधियां, यानी देश के द्वारा जो प्रमुख रूप से उपाधियां सम्मान प्रदान किए जाते हैं वो सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। जो आवश्यक योग्यताएं पूरे करते हैं उनको ये सम्मान प्राप्त होते हैं। बात आती है विदेशी उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति से, यानी कोई भी व्यक्ति है वो भारत देश का व्यक्ति है, वो मान लो कि अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, जापान से, चीन से या अन्य किसी देश से कोई उपाधि प्रदान करता है तो अपनी स्वेच्छा से वहाँ उपाधि प्रदान प्राप्त नहीं कर सकता। अगर उसको उपाधि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले उसको राष्ट्रपति से इस संबंध में अनुमति लेनी पड़ती है, और राष्ट्रपति अगर अनुमति दे दे तो उसके बाद ही वह किसी देश से उपाधि है, सम्मान है, वो ग्रहण कर सकता है।